करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। लगभग 15 घंटे से राहत और बचाव का कार्य जारी है। ग्रामीणों के साथ साथ न्यूज 18 राजस्थान भी यही दुआ कर रहा है कि मासूम नीरू, जो इस वक्त 7 फीट दूरी पर जो गड्ढा खोदा जा रहा है वहां पर उसके बोरवेल में फंसी हुई है, उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 16 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई है उसमें मासूम नीरू जो है जो बोरवेल में फंसी हुई है उसके सिर्फ रोने की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। 16 घंटे का समय बीत चुका है और इस दौरान प्रशासन के हाथ पैर भी फूले हुए, क्योंकि बच्ची को सुरक्षित निकालना यहां पर प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का जो मसला है यहां पर बना हुए। तस्वीरें जो हैं ये सीसीटीवी जो डाला गया था बोरवेल के अंदर बच्ची की मूवमेंट को देखने के लिए कि बच्ची किस तरीके से सांस ले रही है और मूवमेंट कर रही है, उससे ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता आशीष ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य वहां पर किया जा रहा है। आशीष, आप वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप हमें दे रहे हैं। 16 घंटे का समय बीत चुका है, राहत बचाव कार्य अभी तक कहां तक पहुंचा है, जरा सा सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, राहत एवं बचाव कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और मात्र 3 फीट की दूरी है जहां पर सुरंग बनना शेष है और उसके बाद में जो नीरू है उस तक जो प्रशासन की टीमें हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुंच जाएंगी, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। और एक सुरंग बनाई जा रही है, करीब 17 फीट लंबी यह सुरंग बनाई जा रही है। इसमें पाइप के जरिए सुरंग बनाई जा रही है और पाइप के अंदर जो मजदूर हैं वो खुदाई कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर खुदाई कार्य में जुटी हुई है और बच्ची तक पहुंचने में मात्र 2-3 फीट की दूरी बताई जा रही है, 3 फीट बाद में बच्ची तक पहुंचा जा सकेगा। इधर बच्ची लगातार मूवमेंट कर रही है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगाया गया है। सीसीटीवी में अभी बच्ची को बिस्कुट और जो चॉकलेट भेजी गई थी लेकिन उसने खाया नहीं है, क्योंकि बच्ची काफी थक चुकी है, 15 घंटे हो चुके हैं। बार बार बच्ची से ये कोशिश की जाती है कि वो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने पहले जो प्रयास किए थे, जो कुछ संसाधन भेजे थे जिसमें एक रिंग नुमा एक वस्तु भेजी थी, उसको पकड़ने के लिए काफी उससे बार बार गुहार की गई थी, जिसके कारण वो काफी थक चुकी है। रात भर बच्ची ने काफी कोशिश की, कई बार उसने पकड़ भी लिया, तो पकड़ने के बाद लोगों में उम्मीद जगी कि अब जो नीरू है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो उसके बाद में मासूम बच्ची है, 18 महीने की बच्ची है केवल, तो वो उसको छोड़ देती है, इसके कारण वो वहीं अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। अब उसको कुछ खाने की सामग्री भेजी जा रही है, चाय भेजी गई है, बिस्कुट भेजे गए हैं, उसने चाय पी थी, एक बिस्कुट भी खाया था और अभी केला भेजा गया है लेकिन केला उसने खाया नहीं है। और अब जो है सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि बच्ची सहकुशल है, मूवमेंट कर रही है, बार बार रो भी रही है, अपनी माँ से ये कहती है कि मम्मा मुझे बाहर निकाल लो, ये तक बोलती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, बहुत तुतला कर जो बच्चियों की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में वो बोलती है कि माँ मुझे बाहर निकाल लो। और इस तरह की जो दृश्य है उनको देखकर हर कोई भावुक भी है और भगवान से एक ही कामना कर रहा है कि जो नीरू है उसे सहकुशल बाहर निकाल दो और उसकी जान बचा दो। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि नीरू लगातार मूवमेंट कर रही है वहां पर? बिल्कुल, नीरू लगातार 15 घंटे से मूवमेंट कर रही है, कभी कभार वो थककर हल्की सी सो भी जाती है पर वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट सो पाती है, क्योंकि भूखी बच्ची है, कुछ खाया नहीं है 15 घंटे से। जो बच्ची माँ का दूध पीती थी, हर 2 से 3 घंटे में दूध पीती थी, लेकिन उसको अब 15 घंटे से उसको न तो माँ का दूध मिला है और ना कोई अन्य कोई खाद्य सामग्री मिली है, तो निश्चित रूप से बच्ची के जो हाल हैं वो बेहाल हैं और बच्ची बिल्कुल मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके जो भी कुछ चीज आ रही है उसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी थक चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्ची मूवमेंट कर रही है और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई भेजी जा रही है, कुछ खाने की चीजें भेजी जा रही हैं। अभी बच्ची कई घंटे तक आसानी से रह सकती है, उसके अंदर उसका जीवन सुरक्षित रह सकता है, इसीलिए जो प्रशासन है वो जो सुरंग बना रहा है वो सुरंग काफी धीमी स्पीड से इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बच्ची पूरी तरह जिंदा है और बच्ची जिंदा है तो उसको जिंदा बाहर निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और बच्ची डर ना जाए कहीं, क्योंकि 1.5 साल की मासूम है
और उसे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा होगा कि वो किसी जगह पर फंसी हुई है। वो माँ से लगातार बातचीत जरूर कर रही है और इसी उम्मीद में कि वो वहां से निकलेगी, बच्ची डर ना जाए, सहम ना जाए, इसी वजह से वहां पर धीमे खुदाई की जा रही होगी। आशीष, बिल्कुल ये एक कारण है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण ये है कि क्योंकि जैसे ही एलएनटी मशीन चलती है या खुदाई चलती है तो जो बोरवेल है, बोरवेल की मिट्टी यदि धस गई तो निश्चित रूप से बच्ची के ऊपर मिट्टी गिर जाएगी और फिर उसके बाद में उसकी दम घुट जाएगी। ऐसे में मिट्टी नहीं धसनी चाहिए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य। इस कारण धीरे धीरे खुदाई की जा रही है क्योंकि निश्चित रूप से 5 से 6 फीट दूरी पर यदि मिट्टी की खुदाई होती है तो फिर वो बोर ढहने की भी नौबत आ जाती है, मिट्टी ढहने की भी नौबत आ जाती है। ऐसे में प्रशासन की एक ही कोशिश है कि मिट्टी नहीं ढहे और बोर जो बच्ची 35 फीट की, वो 30 फीट की गहराई पर है, उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो मिट्टी नीचे नहीं गिरे, नहीं वरना बच्ची की दम घुट सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है, इस कारण धीरे धीरे खुदाई की जा रही है ताकि बोरवेल पूरी तरह सुरक्षित रहे और ऊपर से कोई मिट्टी नीचे नहीं गिर सके। इस कारण ये धीरे काम चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भले ही हम 1 से 2 घंटे बाद निकाल लेंगे, लेकिन अगर धीरे काम करेंगे और पूरी तरीके से सतर्कता से काम करेंगे तो बच्ची को सकुशल निकाला जा सकेगा और यदि हल्की सी भी लापरवाही हुई तो बच्ची की जान पर भारी पड़ सकती है। इस कारण ज्यादा समय तक बच्ची अगर बोरवेल में फंसी रही तो एक और समस्या है कि मानसिक तौर पर वो कितनी स्वस्थ होगी, क्योंकि इसमें अब सबसे बड़ी भूमिका बन जाएगी कि बच्ची को जब निकाला जाएगा बाहर तो मेडिकल की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएं। क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? बिल्कुल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं, एम्बुलेंस के तैनात है और यहाँ पर कई ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की 2 पाइपलाइन की सप्लाई दी गई है, एक बोरवेल में सप्लाई दी गई है, दूसरी सप्लाई जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, वहां पर भेजी गई है क्योंकि सुरंग में भी काफी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऐसे में दोनों जगह पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। एम्बुलेंस पूरी तरह तैयार है, जैसे ही बच्चे को निकाला जाएगा तो उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। एक नहीं, 3-3 एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है ताकि किसी प्रकार के अगर कोई एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर्स कितने हैं बच्ची को तुरंत इलाज देने के लिए वहाँ पर? बिल्कुल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, साथ ही जो चिकित्सकों की टीम एम्बुलेंस में मौजूद है, प्रत्येक एम्बुलेंस में एक मेडिकल टीम मौजूद है जिसमें एक डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और पूरा स्टाफ मौजूद है। ऐसे में जो 3 एम्बुलेंस है उसमें 3 टीमें मौजूद है और किसी भी तरीके से ये लापरवाही निश्चित रूप से नहीं बरती जा रही क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में कई लोगों को तो इस तरह लगाया गया है कि जो ऑक्सीजन के पाइप जा रहे हैं उस पर कोई पैर ना रख दे, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक ना हो, ये कोशिश की जा रही है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बच्ची को बचाने के लिए हर संभव प्रयास। तो नीरू को जैसे ही बोरवेल से निकाला जाएगा तो प्राथमिक इलाज देने के बाद उसे कौन से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले उसको यहाँ से एम्बुलेंस में ही उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और उसके बाद में दौसा जिला अस्पताल में भी व्यवस्था की गई है बच्ची के लिए, वहां पर अलग से डॉक्टरों को तैनात किया गया है। साथ ही बांदीकुई जो उप जिला अस्पताल है यहाँ पर भी डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है, दोनों अस्पतालों में चिकित्सक अलर्ट है। ऐसे में एम्बुलेंस के अंदर प्राथमिक जाँच होगी, उसके बाद में बांदीकुई अस्पताल ले जाया जा सकता है और हायर सेंटर दौसा को भी अलर्ट किया गया है। यानी दोनों अस्पताल पूरी तरह अलर्ट है और एम्बुलेंस के जो डॉक्टर हैं वो भी पूरी तरह सतर्क हैं। आशीष, राहत बचाव कार्य जो किया जा रहा है इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कितनी टीमें लगी हुई हैं और महत्वपूर्ण ये भी बताइएगा जरा सा कि कोई आला अधिकारी वहां पर मौजूद है? बिल्कुल, देखो जिले के आला अधिकारी कल शाम को 5 बजे से ही जिला कलेक्टर खुद देवेंद्र कुमार, एसपी रंजीता शर्मा, जो स्थानीय भाजपा के विधायक हैं भागचंद ठाकड़ा, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप बात कर रहे हो कि टीमें कितनी हैं, क्योंकि टीमें तो एक एनडीआरएफ और एक एसडीआरएफ की टीमें, लेकिन इनके जो जवान हैं वो काफी संख्या में हैं। एक अनुमान मैं दूर से देख पा रहा हूँ, करीब 25 से 30 जवान एनडीआरएफ के हैं और 25 से 30 जवान ही एसडीआरएफ के हैं, यानी 50 जवान ऐसे हैं जो पूरी तरह उसमें जुटे हुए हैं किसी भी तरह बच्ची को बचाने में। और अब देखो एक और आशीष, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर रस्सी के माध्यम से खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि बिस्किट से लेकर के केला बच्ची को दिया जा रहा है ताकि मासूम खाए वहां पर, और थोड़ा सा उसका ध्यान भटके क्योंकि 16 घंटे हो चुके हैं, 16 घंटे से उसी बोरवेल में, उसी सकरी बोरवेल में वो वहां पर फंसी हुई है। ऐसे में बच्ची घबरा भी रही होगी, तो लोगों को वहां पर ये सहूलियत दी गई। आप जरा सा सुनिएगा बच्ची किस तरीके से वहां पर मूवमेंट करती हुई नजर आ रही थी और उसकी आवाज जो कैप्चर हुई है सीसीटीवी कैमरे में, वो सुनिए। नीचे ले 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 ले
और ये माँ बाप की आप तस्वीरें जो है नीरू के वो देख पा रहे थे, और ये आवाज जो है ये नीरू के माता पिता की है जो लगातार नीरू को आवाज दे रहे हैं ताकि बच्ची उनकी आवाज को सुन सके और ये महसूस कर सके कि वो वहां पर अकेली नहीं है, उसके आसपास उसके परिजन मौजूद है ताकि बच्ची बोरवेल के अंदर जो फंसी हुई है वो डरे नहीं। लेकिन इस वक्त आप उनकी आवाज में कंपन महसूस कर सकते हैं, वो दर्द महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा अभी बोरवेल में फंसा हुआ है। उम्मीद एक यही लगाए बैठे परिजन बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी नीरू को बाहर निकाला जा सके। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, परिजन बस यही दुआ कर रहे हैं कि कब वो तस्वीर सामने आएगी, वो राहत भरी तस्वीर सामने आएगी जब उनके कलेजे का टुकड़ा, वो मासूम बच्चा जो अभी बोरवेल में फंसा हुआ है, वो बाहर आएगा और उनकी गोद में खेलेगा। बिल्कुल, देखो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक अच्छी खबर ये नहीं है कि क्योंकि यहाँ बारिश आ चुकी है, बारिश आने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी काफी धीमी स्पीड हो गई है, क्योंकि जो गड्ढा हुआ है उसमें पानी भरने की संभावना हो जाएगी यदि अधिक बारिश आती है। तो सब उम्मीद यही कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि बारिश थम जाए ताकि जो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहे। कल रात से ही बारिश बार बार आती है, हालांकि बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी बारिश आ रही थी रात को, लेकिन अब जो बारिश आई है वो थोड़ी तेज बारिश आई है, जिसके कारण हो सकता है कि यदि ये बारिश कंटिन्यू रहती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गड्ढे में यदि पानी भर गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू रखना बहुत मुश्किल होगा और बच्ची के लिए जितनी देरी होगी उतनी कठिनाई साबित होगी। ऐसे में भगवान इंद्रदेव से और सभी यही कामना कर रहे हैं कि इस बारिश को रोका जाए ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहे, क्योंकि अगर बारिश हुई तो निश्चित तौर पर आशीष मुश्किलें खड़ी हो सकती है। एक तो जो मिट्टी निकाली गई है वो गीली हो जाएगी और वो मलबे में तब्दील हो जाएगी अगर ज्यादा बारिश हुई, और उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा वहां पर राहत बचाव कार्य टीम में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए। तो दुआ यही कि प्रकृति मेहरबान हो, बारिश वहां पर ना हो ताकि बच्ची को सकुशल वहां से निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी पहुंचाने के लिए।